खबर बिगोद से। भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाले स्टेट हाईवे एवं नेशनल हाईवे पर लोगों ने टोल वसूली तो पूरी करने के बाद आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की शिकायतों लोगों को मिल रही है। सुविधाएं उपलब्ध करवाने ही तो शाहपुरा क्षेत्र में गुजर रहे स्टेट हाईवे एवं बाईपास निर्माण को लेकर जिला महामंत्री एससी मोर्चा एडवोकेट अविनाश जीनगर के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार नारायण लाल जीनगर को बुधवार को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट अविनाश जीनगर ने बताया कि शाहपुरा से केकड़ी एवं शाहपुरा से मांडल रोड मेगा स्टेट हाईवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, उसे रिकार्पेट कराया जाना अति आवश्यक है क्योंकि डूंगरी चौराहा सहित विभिन्न जगह खस्ताहाल सड़क होने से एवं विभिन्न जगह पर सड़क मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि शाहपुरा शहर के लोगों के फोर व्हीलर को टोल मुक्त किया जाए। सरकारी नियमों के अनुसार 5 किलोमीटर के दायरे में लोकल वाहन टोल भार से मुक्त हो। शाहपुरा से लेकर मांडल चौराहा तक रोड पर कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं तो इतने गहरे हैं अनावश्यक समय बर्बाद होता है एवं जाम तक लग जाता है एवं दुर्घटनाएं भी उन्हीं गड्ढों के कारण हो चुकी है। स्टेट हाईवे पर टोल देने के बावजूद शौचालय या तो खराब हो चुके हैं या उन पर ताले लगे हुए हैं, उसे व्यवस्थित करके आमजन उसका उपयोग उपभोग करे, ऐसी व्यवस्थाएं सुचारू की जाए। पर्यावरण की दृष्टि से लाख पेड़ काटे गए थे जब रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन नियम अनुसार पर्यावरण को हरा भरा बनाने के तहत सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण होना था जो अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि उक्त सड़क को लगभग 10 साल हो चुके हैं। समय समय पर कस्बे वासियों द्वारा मांग उठाई गई, लेकिन उक्त मेगा हाईवे की खस्ता हाल को सुधारा नहीं जाता है। बताया है कि उक्त मेगा हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों से है। शाहपुरा स्टेट हाईवे के निर्माण के दौरान बाईपास स्वीकृत हो चुका है तथा इस हेतु जमीन भी अवाप्त हो चुकी है, परंतु अभी तक बाईपास का काम लंबित चल रहा है। बाईपास के अभाव में शहर में 2-3 किलोमीटर तक भारी जाम लगा रहता है, अतः सभी बिंदुओं पर महामहिम से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जनहित की समस्याओं का निराकरण कर कस्बे से गुजर रहे मॉडल शाहपुरा केकड़ी मालपुरा टोल मार्ग को अतिशीघ्र रिकार्पेट किया जाए और आम जनता को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन देते समय जिला परिषद सदस्य एडवोकेट शिवराज कुमावत, पार्षद स्वराज सिंह, पूर्व पार्षद एडवोकेट दीपक पारिक सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शुल्क लिए लेता है उसमें आम जन को आज राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि शाहपुरा में स्टेट हाईवे जो निकल रहा है यहाँ टोल लोकल व्हीकल का नहीं लगना चाहिए, लेकिन टोल लेने के बावजूद भी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है। यहाँ जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। हमारी प्रमुख मांग रही कि इस सड़क को रिकार्पेट किया जाए, टोल मुक्त किया जाए जो लोकल वाहन है। इसके अलावा जब MOU सड़क का हुआ था तो दोनों तरफ जितने लाखों की संख्या में पौधे काटे गए थे, पेड़ पौधे, उनकी जगह वापस हरित शाहपुरा करने का उन्होंने वादा किया था, उन वादा खिलाफ ही हो रही है। हमारी मुख्य मांगे आज उपखंड अधिकारी जो ज्ञापन देकर मांग की गई है। हमारे यहाँ उपखंड अधिकारी को राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जो हाईवे पे टोल वसूली हो रही है उसके खिलाफ टोल वसूली में जो शुल्क लिया जाता है उसमें आम जन को जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है उसके नाम पर केवल दिखावा हो रहा है। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, शौचालय सही ढंग से नहीं है और वहाँ आवाजाही के लिए बैरिकेड भी ढंग से नहीं होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए हमारी मांग है जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा